कमलनाथ सरकार द्वारा माफियाओं कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संगठित अपराध करने वालों पर पुलिस और शासन को कहर बनकर टूट पड़ने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश की माफिया मुक्त देखना चाहते हैं वे। जबरन वसूली उगाही करने वाले भूमाफिया, ड्रग माफिया और सहकारिता माफियाओं से प्रदेश के नागरिकों को निजात दिलवाना चाहते हैं। मंत्रालय में हुई अहम बैठक में मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित प्रशासन भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव और DIG भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने संगठित अपराधियों पर हमला बोला और साथ ही कहा कि जो माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से और इसमें तमाम माफिया, चाहे किसी भी तरह का शराब माफिया हो, भू माफिया हो, एक्सटॉर्शन माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, दवाई माफिया हो, तमाम माफिया, हर माफिया पे प्रहार करेंगे। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने तमाम सरकारी महकमे को भी एक सख्त संदेश दिया है कि जो इन माफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है उसको ये माना जाएगा, या कोई कोताही बरतता है तो उसको माना जाएगा कि वो माफिया के साथ है और उन पे भी कड़ी कार्रवाई होगी, वो भी नहीं बच पाएंगे। कुल मिला के माफिया के साथ जो भी खड़ा रहेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। शोभा ओझा का कहना है कि CM कमलनाथ ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है, वहीं कपड़ों पर राजनीति बिल्ला देखकर कार्रवाई नहीं की जाए। माफियाओं को हर हाल में पकड़कर सलाखों के पीछे डालो। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।